वेलकम टू माय चैनल परी डिज़ाइंस। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे इंशाल्लाह। तो आज आप लोगों के लिए लाई हूँ बहुत ही अच्छी ट्रिक, जो हम चुन्नट्स बनाते हैं, गैदरिंग्स बनाते हैं बच्चों के फ्रॉक्स पे। तो जी देखिए, मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताने वाली हूँ, बहुत ही आसान तरीके से आप वो बना सकते हैं। जी ये देखिए, मशीन का जो फुट होता है उसके बीच में ये मैंने नीडल लगाई है, ये तुरपाई वाली सुई है, और जी जो मशीन की सुई है उसको भी मैंने ऊपर कर लिया। और जी ये जो टॉप होता है ना मशीन का, जो टांका होता है, इसको फुल कर लेना है, बड़ा कर लेना है। तो और नीडल को आपने, तुरपाई वाली नीडल को आपने उसमें गैप जो था उसमें डाल दिया है, बस थोड़ा सा उसको अंदर करना है ताकि वो निकले भी तो आराम से निकल सके। और ये देखें, ये जो चुन्नट्स लग रही हैं इसमें, देखें ये कितनी प्यारी लग रही हैं। ये जो हम बच्चों की फ्रॉक्स वगैरह बनाते हैं उसमें ये चुन्नट्स लगती हैं। तो वैसे हम हाथ से ये चुन्नट्स बनाते हैं तो हमें बड़ा टाइम लग जाता है ये चुन्नट्स बनाने में। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे ना तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही आसान होगा। और ये जो ट्रिक है ये आप अपनी सादी मशीन पर भी कर सकते हैं, जो आपकी सादी मशीन है। ये मेरी तो जोगी मशीन है, लेकिन आप लोगों की जो सादी मशीन होती है आप उसमें भी ये चुन्नट्स बना सकते हैं। और ये देखें व्यूअर्स, खुद ब खुद चुन्नट्स लग रही है, गैदरिंग्स आ रही हैं इस कपड़े के ऊपर। तो बहुत ही छोटी सी वीडियो है, आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर भी कर दीजिएगा। जी जो पहली बार देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि सब्सक्राइब कर दें, ऐसी ही ट्रिक्स आगे भी लेकर आती रहूँगी आप लोगों के लिए। तो जी दुआओं में याद रखिएगा। और ये देखें कितनी प्यारी प्यारी ये खुद ब खुद बन गई हैं, और वैसे हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है इनको बनाने में। और ये देखें आसान तरीके से मैंने यहाँ पे बना ली है। जी तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।